गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रिएजेंट के अंदर। आज हम स्टडी करेंगे पीडीसी के बारे में। पीडीसी रिएजेंट क्रोमियम बेस्ड रिएजेंट है, जो कि बहुत ही मिल्डर एंड सेलेक्टिव रिएजेंट के तौर पर हम इसे ट्रीट करते हैं। पीडीसी का फुल फॉर्म है पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। ओके, देखिए पिरिडिनियम डाइक्रोमेट पीडीसी रिएजेंट पीसीसी की तुलना में लेस एसिडिक होता है। इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? तो प्रिपेयर करने के लिए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विथ पिरिडिन हम सॉल्युबल करते हैं, तो हमें मिलता है पीडीसी यानी पिरिडिनियम डाइक्रोमेट। चलिए देख लेते हैं। प्रिपेयर करने के लिए हमने 2 मोल ऑफ क्रोमियम ट्राइऑक्साइड या क्रोमियम एनहाइड्राइड हम इसे कह सकते हैं, इसे पिरिडिन के साथ सॉल्युबल किया। हमारे पास जो मॉइटी मिलती है दिस वन, जिसमें क्या रहता है कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड विद पिरिडिन के साथ बाइंडिंग मॉलिक्यूल मिलता है, इसे हम कह सकते हैं पीडीसी, जो कि लेस एसिडिक है। पीडीसी इज लेस एसिडिक कंपेयर टू पीसीसी। ओके, पिरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट की तुलना में ये कम एसिडिक होता है। ये मिलता है आपके पास मॉलिक्यूल, हमें इसका फुल स्ट्रक्चर याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको एरो के ऊपर पीडीसी या पीसीसी लिखा रहता है। ओके, तो पीडीसी हमारे ऊपर एरो के ऊपर लिखा हुआ। अब इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ इसकी विशेषता है। पहला, इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि दिस जो रिएजेंट है वो वाटर सॉल्युबल है, यानी कि जो पोलार सॉल्वेंट है H2O DMSO इनके अंदर ये सॉल्युबल होता है। तो सॉल्युबल इन H2O DMF एंड DMSO बट स्पॉन्जलिंगली सॉल्युबल, यानी कि बहुत ही कम सॉल्युबल रहता है। किसके अंदर? DCM के अंदर, यानी डाइक्लोरोमीथेन एंड क्लोरोफॉर्म में। फिर पीडीसी जो है वो क्या पड़ता है हमको? सस्ता पड़ता है कंपेयर टू पीसीसी। तो सेकेंड हाईलाइट करते हैं इसे, चीप एच कंपेयर टू पीसीसी। अब इसमें जो यील्ड हमको प्राप्त होती है वो पीसीसी की तुलना में ज़्यादा रहती है, इसलिए पीडीसी मोस्ट यूजफुल रहता है कंपेयर टू पीसीसी। तो सेकंड पॉइंट है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज हाई एज कंपेयर टू पीसीसी, सेम एज पीसीसी। अब जो इसकी ऑक्सीडेशन वर्क है वो किस टाइप से रहती है? तो सेम एज पीसीसी। जो फंक्शनल ग्रुप पीसीसी ऑक्सीडाइज करता है वही फंक्शनल ग्रुप पीडीसी भी ऑक्सीडाइज करता है। चलिए देख लेते हैं। जो पहला ऑक्सीडेशन ग्रुप है वो क्या रहता है इसके अंदर? जस्ट वन मिनट। ये क्या करते हैं? प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन के अंदर, एंड टर्सरी अल्कोहल को ये अफेक्ट नहीं करते। टर्सरी अल्कोहल के लिए हमारे पास एक अलग नेम रिएक्शन है, बबलर ऑक्सीडेशन, उसके बारे में हम अपकमिंग लेक्चर में स्टडी करेंगे। देन एडवांटेज ऑक्सीडेशन। ओके, देखिए इसके और क्या एडवांटेज है कि ये अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट इसकी सेलेक्टिविटी चेंज होती जाती है। दिस वन, अगर आप पोलर सॉल्वेंट यूज में लेते हैं, सॉल्वेंट कैसा है? पोलर प्रोटिक, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, पोलर प्रोटिक, तो आपका ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अलग होगा। अगर आप अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट यूज में लेते हैं, कौन सा? अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट, दिस इज पोलर बट अप्रोटिक, CDCl3, DMF और मे बी DMSO भी अप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट है DMSO, तो उस कंडीशन में आपको प्रोडक्ट अलग मिलेगा। देख लेते हैं एग्जांपल के रूप में। ये आपके पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल के रूप में ये दे रखा है, इसे मान लेते हैं प्रोडक्ट, सॉरी स्टार्टिंग मटेरियल ए, दिस वन स्टार्टिंग मटेरियल ए। इसे एनालाइज करने पर हमें क्या दिखता है कि इसके अंदर एक प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है, दिस वन पोजिशन इसकी मैं हाईलाइट करता हूँ, ये आपका क्या है? प्राइमरी एल्कोहल। और दिस जो ग्रुप है ये आपको जो दिख रहा है ये क्या है? एल्किन, एसिड सेंसिटिव रहेगा ये। ओके, दिस वन इज एल्किन। अब हमने एरो के ऊपर क्या यूज मिले? एरो के ऊपर हम यूज मिले रहे पीडीसी, पीडीसी इन द पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट CHCl3 एंड DMF। अगर मैं CHCl3 के साथ यूज में लेता हूँ तो प्राइमरी एल्कोहल कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड, किसमें बनेगा? ये एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा, दिस वन इज एल्डिहाइड। अगर मैंने डीएमएफ यूज में लिया है, डीएमएफ भी
पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है बट इसकी पोलरिटी हाई रहती है कंपेयर टू क्लोरोफॉर्म। उस कंडीशन में अब पोलरिटी अगर हाई है तो वो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन एसिड के अंदर हो जाता है। तो ये क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, अब मिलेगा आपको दिस वन इज एसिड, हाईलाइट करते हैं एक्वा कलर से, दिस क्या मिला ये पर्टिकुलरली एसिड। एंड अगर हम मिथेनॉल के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, किसकी सॉरी मिथेनॉल सॉल्वेंट यूज में लेते हैं, उस कंडीशन में क्या मिलता है आपको, उस कंडीशन में आपको मिलेगा एस्टर दिस वन। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा एस्टर, ये ओ एम ई भी यहां पे साथ में रहेगा लाइक दिस वन, आपके पास बनेगा दिस कार्बन डबल बॉन्डेड टू ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड टू ओ एम ई दिस दिस ओके। तो ये बन गया आपके पास क्या बना एस्टर। तो अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट चेंज आपको प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे पीडीसी के अंदर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक, अब हम बेसिक क्वेश्चन जो कि पीडीसी के अंदर से पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। लाइक आपके पास एक एग्जांपल है ओके, स्टार्टिंग मटेरियल, इसके अंदर दो टाइप के अल्कोहल आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल एंड दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल ओके। अगर आपने पीसीसी यूज में लिया है तो दोनों ही अल्कोहल का ही ऑक्सीडेशन करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल किस में जाएगा एल्डिहाइड के अंदर, तो दिस वन कन्वर्टेड टू एल्डिहाइड और ये आपका रहेगा कीटोन के अंदर। बट अगर आप इस समय पीसीसी के साथ जो आपको इल्ड मिलेगी वो रहेगा आपका 60%, बट अगर आप पीडीसी यूज में लेते हैं तो आपको जो इल्ड मिलेगी वो रहेगी आपके 95% इल्ड आपको देखने को मिलेगी। तो एक्सीलेंट इल्ड ये आपको प्रोवाइड करवाता है पीडीसी, प्रोडक्ट दोनों से सेम मिलेगा बट यील्ड आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी कंपेयर टू पीडीसी, और मोर सेलेक्टिव और मिल्डर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, कंट्रोल आप रिएक्शन के ऊपर रख सकते हैं, साइड रिएक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगी, मॉलिक्यूल डिकम्पोज आपका नहीं होगा। अब इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट पीडीसी की सेलेक्टिविटी बढ़ जाती है। पीडीसी क्या कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट ये आपको सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करता है। तो यहाँ पे आपको हाईलाइट करता हूँ मैं, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट पीडीसी सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज प्राइमरी अल्कोहल, किसे करता है ये प्राइमरी अल्कोहल को सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है। चलिए देख लेते हैं, आपके पास पीडीसी दे रखा है दिस वन, साथ में क्या है मेटल कैटलिस्ट है, रूथेनियम मेटल कैटलिस्ट है, तो ये क्या करेगा सेलेक्टिवली प्राइमरी अल्कोहल कौन सा, दिस आपका प्राइमरी अल्कोहल है यहाँ पे, तो ये प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड के अंदर करेगा, दिस वन इज एल्डिहाइड के अंदर। अब देखिए कैसे पता लगा कि प्राइमरी अल्कोहल कहीं करेगा, सेलेक्टिविटी कैसे पता लगाई, देखिए आपके पास मेटल कैटलिस्ट है, मेटल कैटलिस्ट है, बल्कायर मेटल कैटलिस्ट है, डेफिनेटली अगर ये बल्कायर है तो किसे अप्रोच कर पाएगा, जो ये कोऑर्डिनेट करेगा वो टर्मिनल अल्कोहल के साथ कोऑर्डिनेट करेगा, इनर अल्कोहल के साथ तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करते एल्डिहाइड के अंदर ना कि सेकेंडरी अल्कोहल को। तो यही सेलेक्टिविटी हम याद रख सकते थोड़े बहुत हमारे जनरल अवेयरनेस से जनरल नॉलेज से ओके। ये हो गया आपका एल्डिहाइड। अगर हमने पीडीसी नॉर्मल कंडीशन के अंदर यूज में लिया है, नॉर्मल पीडीसी इन द लाइक CDCl3 हमने यूज में ले लिया या CHCl3 के अंदर यूज में ले लिया, उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, इन दोनों ही प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों ही फंक्शनल ग्रुप का ऑक्सीडेशन आपको मिलेगा और आपको मिलेगा एल्डिहाइड एंड कीटोन, दिस वन इज एल्डिहाइड एंड दिस वन इज कीटोन, ये हो गया आपके पास प्रोडक्ट ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे एग्जांपल पे, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा DMSO। इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, इसमें एक और क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, एक हमारे पास एग्जांपल है उसे हम सॉल्व करते हैं लाइक दिस वन, हमारे पास एक क्वेश्चन है उससे ले लेते हैं एग्जांपल, दिस वन हमने लिखा है एंड दिस एरो के ऊपर आपके पास कंडीशन है पीडीसी 1.5 इक्विवेलेंट आपको दे रखा है, सॉल्वेंट आपको ले रखा है डीसीएम एंड 25 डिग्री सेल्सियस का आपके पास टेम्परेचर है। तो देखिए अब इसके अंदर क्या हुआ, पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है, दिस वन अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल है, दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल सॉरी दिस वन इज प्राइमरी अल्कोहल।
सेकेंड वन क्या है दिस, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ये देखिए ये आपके पास इनॉल ईथर, ओके दिस वन इज क्या है आपका एसिड लेबल इनॉल ईथर, जो कि आपका एसिड लेबल है। अगर आप इसमें पीसीसी यूज में करते तो पीसीसी के अंदर एसिड रहता है, उस कंडीशन में वो इनॉल ईथर को क्लीव कर देगा, डी प्रोटेक्ट कर देगा, इसलिए हमें सेलेक्टिवली इस पर्टिकुलर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए हमें पीडीसी यूज में लेना पड़ता है, जो कि लेस एसिडिक रहता है कंपेयर टू पीसीसी। तो हमें अब प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, वो हम ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज द प्रोडक्ट इज पर्टिकुलरली एंड दिस हमारे पास रहेगा एल्डिहाइड, ओके यहां पे आपको लिखना है सी एच ओ, क्या बन गया आपके पास एल्डिहाइड के अंदर ये कन्वर्ट हो गया। ये मेरे पास एक सेलेक्टिव प्रोडक्ट हमें देखने को मिलता है प्रोडक्ट। इसी टाइप से एक क्वेश्चन है उसे देख लेते हैं, ओके देखिए हमारे पास एग्जाम्पल दे रखा है, एक हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल, दिस वन इज एल्कोहल एंड दिस पर्टिकुलर इज ईन। हम अगर यूज में लेते हैं पीडीसी 1.5 इक्विवेलेंट एंड हम सॉल्वेंट यूज में ले रहे हैं डीसीएम। देखिए इस क्वेश्चन को जब मैंने फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया तो मैंने CHCl3 से उसे स्टार्ट किया था, बट यहाँ पे जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो DCM है एंड टेम्परेचर हम रख रहे हैं 25 डिग्री सेल्सियस। तो उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, दिस पर्टिकुलर ये पोल अप्रोटिक सॉल्वेंट है, ओके ये पर्टिकुलर जो फंक्शनल ग्रुप है OH, सिर्फ OH आपका ऑक्सीडाइज होगा एल्डिहाइड के अंदर, दिस जो आपके पास है एल्किन, एल्किन ये विदाउट अफेक्टेड रखेगा। तो आपके पास जो मिलेगा प्रोडक्ट वो रहेगा दिस टाइप से, ओके दिस टाइप से मिलेगा आपको प्रोडक्ट। एंड अगर आप कंडीशन चेंज करते पीडीसी लेते हैं, पीडीसी कितना मोल लेते हैं आप 3.5 इक्विवेलेंट अगर आप यूज में लेते और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रखते DMF और इक्विवेलेंट आप टेम्परेचर रहेगा 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये वाला मैंने आपको पीडीसी ये क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करवाया था, इसमें जब मैंने बताया था कि अकॉर्डिंग टू सॉल्वेंट इसकी प्रोडक्ट चेंज होता रहता है। तो देखिए अब हमारे पास क्या है पीडीसी है बट इक्विवेलेंट कितना है 3.5 इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट करेगा, दूसरा इक्विवेलेंट रिमेनिंग 1.5 इक्विवेलेंट उसे एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और हमने सॉल्वेंट क्या यूज में लिया, देखिए सॉल्वेंट हमने यूज में लिया DMF, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा एसिड। पहली चीज पीडीसी की क्वांटिटी भी हमने अलग ली है, 3.5 इक्विवेलेंट लिया है, दूसरी DMF यूज में ले रहे, तो डेफिनेटली जो आपका एल्कीन है एसिड सेंसिटिव ग्रुप वो तो अनअफेक्टेड रहेगा, बट आपका जो एल्कोहल है वो पहले एल्डिहाइड में फिर एल्डिहाइड टू फर्दर एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा उसे हम ले लेते हैं, दिस वन हाइलाइटर चेंज करते हैं, ओके दिस इज एसिड, ओके और ये आपका एल्किन अनअफेक्टेड, तो ये मिल गया मेरे पास प्रोडक्ट। तो ये थी सेलेक्टिविटी ऑफ पीडीसी रिएजेंट ओवर पीसीसी एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।